नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निश्चय संवाद पूरा हो चुका है। करीबन 3 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित किया है डिजिटल तकनीक का उपयोग करके। और इसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से RJD पर कटाक्ष किया है। वहीं अशोक चौधरी ने भी अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, जरा सुनिए। लंबा तो जब आएगा तब ना, अभी कैसे हम बता दें कि लंबा है कि छोटा है। अभी तक तो जो है वो आपको बता दिया गया। सर, आपके सहयोगी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और खबरें मिल रही है कि चिराग पासवान अलग उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं JDU के खिलाफ। देखिए, अलग अलग पार्टी होती है और अलग अलग पार्टी अपनी पार्टी के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें कौन खास बात है, हर पार्टी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर चिराग सर आपके खिलाफ पार्टी, हम ये नहीं जानते हैं कि वो क्या कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हर आदमी अपनी पार्टी चलाता है और अपनी पार्टी के बारे में निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी बंधन में थोड़ी है। दुर्गा प्रसाद राय जी की देन है, उनकी पहचान बनाई स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद राय जी ने, और आज उनके परिवार के साथ वही चर्चा उन्होंने किया, उनके परिवार के साथ जो अपमानित करने का काम किए, ये कोई अच्छा समाज भव्य सभ्य समाज का है क्या? देखिए, नीतीश जी ने जो काम किया है उसकी चर्चा उन्होंने की है, और हम समझते हैं कि नीतीश जी ने सबके लिए, इस प्रदेश के तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है। और नीतीश जी अपने काम पे अभी तक 15 वर्षों के कार्यकाल में खड़ा उतरे हैं, इसलिए इस प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो जिन्होंने राजनीतिक रूप से देखा है कि एक राजनीतिक दल 15 साल पहले इस चरवाहा विद्यालय बना करके नौजवान पीढ़ी को चरवाहा विद्यालय भेजना चाहती थी, और नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में IIT BIT NIT ला करके जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको नए तरह से शिक्षित कर रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना के, इसीलिए पूरी तरह से हमारे नौजवान साथी नीतीश जी के साथ रहेंगे। दिलाया है कि दो नाली बंदूक निकलती थी गाड़ियों से, याद है ना सबको, तो क्या लोगों को क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल, जो परिस्थितियाँ थी, जिस तरह से यहाँ पर 118 नरसंहार हुए थे, जिस तरह से जातीय उन्माद था, जिस तरह से यहाँ जातीय दंगे हुआ करते थे, उस प्रदेश को, वैसे बिहार को निकाल कर 15 वर्षों में यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए बिहार पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। नीतीश जी ऐसा व्यक्ति जिस सभी धर्म के लोगों का काम करता हो, सबके लिए योजनाओं का निर्माण करता हो, ऐसे लोगों के साथ सबको खड़ा, भय बना भरोसा में, भरोसा की जीत होनी, बिल्कुल भरोसा की जीत होगी, काम की जीत होगी, जो काम किया गया है उसकी जीत होगी, निश्चय की जीत होगी। तो आपने दोनों की ही बातों को सुना है। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां कहा जा रहा है 2020 निश्चय नीतीश निश्चित विकास, तो क्या जनता दल यूनाइटेड के इस स्लोगन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को एक बार फिर से बिहार की जनता क्या स्वीकार करने जा रही है? आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार जैसा।